अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक? ओके, नाउ लुक एट हियर, टुडे वी विल डू अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड पॉलिशिंग शू। आज आपको पता है आप क्या सीख रहे हैं? आज आप सीखेंगे कि शू कैसे पॉलिश करने चाहिए। ठीक है, देखें, ये मेरे पास दो शूज़ हैं, दोनों डर्टी हो रहे हैं ना। आज हम पॉलिश करके एक शूज़ को साफ करेंगे। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर सम पॉलिश, कॉटन बॉल्स, डर्टी शूज, ब्रश एंड डस्टर। ओके, रिपीट इट अगेन। वन बास्केट, सम पॉलिश, कॉटन बॉल्स, डर्टी शूज, ब्रश एंड डस्टर। ओके, एंड यू वॉच मी वेरी केयरफुली। नाउ लुक एट हेयर, यू कंपेयर द क्लो शू, दिस इज क्लीन एंड दिस इज डर्टी। ओके, लुक एट द शू, यस दिस इज डर्टी एंड दिस इज क्लीन। ओके, नाउ वी विल डू अगेन। देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी शू कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उन चीज़ों की सीक्वेंस जो है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि जो आपका ब्रश है वो राइट हैंड पे रखा है और जो ये बास्केट है वो उस साइड पे रखी हुई है। बिल्कुल सीक्वेंस से आपको काम करना होगा ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो। सबसे पहले देखें जो कॉटन बॉल्स हैं, इससे आप जो भी शूज़ में डस्ट वगैरह है उसको साफ़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से। जब ये डस्ट आप बिल्कुल साफ कर लें, ये देखा आपने, सारी डस्ट साफ हो गई। डस्ट साफ करने के बाद अब कॉटन बॉल से ही
पॉलिश को लेंगे, हम ब्रश से पॉलिश इसलिए नहीं लेते कि ये बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो सकती है। आप इस तरह से ऐसा ऐसा पॉलिश लगाएंगे। अब आप ब्रश लें और ऐसा ऐसा इसको बच्चों को ब्रश करना। Now look at here. This shoe is clean. Okay. You like this activity? You like? अब आप shoe polish खुद करेंगे ना? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि इस के लिए जो हम पॉलिश यूज़ करते हैं वो कलरलेस पॉलिश होती है, जिसमें कोई कलर नहीं होता, यानी वाइट पॉलिश या इस तरह की कोई कलर वाली पॉलिश आप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बाज़ार में कलरलेस पॉलिश मिलती है जो कि शाइनर होती है, वो यूज़ करते हैं ताकि बच्चों के हाथ या कपड़े या ये के उनके मतलब टेबल वगैरह गंदी ना हो। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उसके अंदर आप फिर से यानी आप देख लीजिए कि मैट ज़रूर बिछाइएगा ताकि उस एरिया में जो है वो पॉलिश जो भी बच्चे काम कर रहे हैं वो एरिया ख़राब ना हो। ठीक है, आपने देखा कॉटन बॉल्स पॉलिश शू, और आप सबसे पहले दोनों शूज़ रखेंगी बच्चे को बताने के लिए कि वी आर डूइंग अ पॉलिशिंग शू, फिर एक शू आप हटा देंगी और एक पॉलिश करके फिर दोनों शूज़ को रख के कंपेयर करके बताएंगी। ठीक है, ओके, आई होप यू लाइक दिस एक्टिविटी। यू वांट टू डू दिस एक्टिविटी? हु वांट? ओके, आई विल गिव यू द मटीरियल एंड यू स्टार्ट द एक्टिविटी। थैंक यू।